जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने पानी से भरे गड्ढे में बैठकर प्रदर्शन किया, नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की है, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्षद का वार्ड होने से सड़क नहीं बनाई गई, ये आरोप भी लगाए गए हैं। तो बदहाल सड़क के बीच कांग्रेस की क्रांति शुरू हो चुकी है। इंदौर में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कार्यकर्ता कैसे अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी से भरे गड्ढों में बैठकर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, नगर निगम के साथ साथ बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। मजबूरी यही है कि ये जो रोड है हमारे पार्षदीय क्षेत्र से होकर गुजरती है और यहाँ से तमाम बाईपास का पूरा ट्रैफिक जो है डाइवर्ट होता है, बाईपास का नहीं, एवी रोड का पूरा ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट होता है और यहाँ पर निकलने वाली तमाम रोज गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त होती है, लोग गिर रहे हैं, लोगों को तकलीफ आ रही है और हमारे निगम के प्रशासन को, हमारी सरकार को, हमारे विधायक को, महापौर को, कमिश्नर को, किसी को भी असर नहीं हो रहा कि इस रोड को जरा हम नहीं बनवा पा रहे तो कम से कम रिपेयर ही कर दे। और सीधे रुक करेंगे इंदौर का, हमारे साथ संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, अनोखा प्रदर्शन करने पर उतर चुके हैं आप कार्यकर्ता और नगर निगम पर तो आरोप लगाए रहे हैं, इसके साथ ही बीजेपी पर भी आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की पार्षद है और इंदौर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी है सोनीला मेमरोड, उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। वार्ड 45 और 46 दो पार्षद, महिला पार्षद यहाँ पर इकट्ठा हुई थी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने गड्ढों में बैठकर, पानी से भरो गड्ढों में बैठकर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ये भी बताया कि इन गड्ढों की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन कोई काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा। बीजेपी की नगर निगम परिषद है और इस वजह से काम नहीं हो रहा क्योंकि कांग्रेस की पार्षद वहाँ पर है। देखिए इस तरह का भेदभाव पहले भी होता रहा है जब कांग्रेस के पार्षदों के वार्ड में काम नहीं हुए हों, तो इस बार भी ये जो मुख्य सड़क है अटल द्वार वाली यह सड़क है, इस सड़क पर काम नहीं हो रहा है। काफ़ी रश इस सड़क पर रहता है, बहुत ट्रैफिक निकलता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो गड्ढे हैं उन्हें भरने का काम नहीं किया जा रहा। वही जो सड़क है वो भी बदहाल हो चुकी है, तो इस वजह से यह अनूठा प्रदर्शन कांग्रेस को करना पड़ा है। और अब यह भी माना जा रहा है कि शायद इस प्रदर्शन के बाद नगर निगम की आंखें खुले और इस रोड को बनाने का काम शुरू किया जाए। ऋतु जी।